भैया, जिस मारीच पर आपने कृपा की थी वो ऋण चुकाने आया है। नहीं, ये मारीच नहीं हो सकता। समर्पण, आत्मसमर्पण। मारीच ने मुझसे कहा था कि शत्रुता छोड़ देनी चाहिए। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। आप मेरी हत्या मत करिएगा राजकुमार। मारीच मुझसे कह के गया था कि आप बहुत महान हैं, दयालु, जो आज मैं देख भी रहा हूं। जब आप मुझ पर प्रहार कर मेरा विनाश कर सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। और ये मुझ पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। Yeah!
मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता तब तक मांडवी उर्मिला और श्रुत कीर्ति का विवाह होना भी संभव नहीं है। विवाह? हाँ, परंतु तुम्हारा विवाह तभी संभव हो सकता है जब तुम्हें कोई योग्य वर मिल जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे ज्ञान तुम्हारी स्वतंत्रता से असुरक्षित ना हो, जो तुम्हें अपने बराबर कर समझे, जो तुम्हारे असाधारण होने का सत्य स्वीकार कर सके, जो तुम्हारे भूमिजा होने का सम्मान कर सके। आपको विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा? स्मरण है कि महर्षि परशुराम ने तुम्हें भगवान शिव का महाधनुष उठाते हुए देख लिया था। उसके पश्चात उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा उतारकर यह कहा था, यह धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन होगा। उसी को ढूंढने के लिए स्वयंवर आयोजित किया जा सकता है। यदि तुम सहमति दो तब। मेरे लिए तुम्हारा निर्णय जानना अत्यंत आवश्यक है पुत्री, क्योंकि बिना तुम्हारी सहमति के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम कहोगी कि तुम्हें ऐसा स्वयंवर स्वीकार नहीं है तो मैं तुम्हारे इस निर्णय को भी स्वीकार करूंगा, कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सुख, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं। यदि तुम चाहो तो कुछ दिनों का समय ले लो, सोच लो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपना निर्णय शीघ्रता में सुनाओ। कदाचित मेरी नियति में नहीं है उनके दर्शन पाना। मैं इसी बात से संतोष कर लूं कि इस संसार में उन जैसा व्यक्ति भी है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बारे में जान पाई। इच्छा तो बहुत है कि आपके बड़े भैया के दर्शन हो पाते, संभवतः भविष्य में कभी उनसे भेंट हो पाए। मैं जानती हूं पिताजी कि आपका कोई भी निर्णय मेरे अहित के लिए नहीं हो सकता है। यदि वो मेरे स्वयंवर का रूप हो वो भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। बिना किसी संशय, बिना किसी प्रश्न के, क्योंकि जिस प्रकार आपके लिए मेरी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, उसी प्रकार मेरे लिए भी आपकी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। आपकी इच्छा अनुसार मेरा विवाह होना ये मेरा सौभाग्य होगा।